यहाँ सिर्फ दो ही चॉइस है, मेजर राजीव बी आवर फ्रेंड और रिमेन आवर एनिमी एंड सफर। मेरे हृदय में से नहीं, मेरी मंजिल कहीं और है, क्योंकि मैं इस देश का एक सिपाही हूँ और हमेशा सिपाही बनकर रहूंगा। ये कहा तूने? अब तक तूने मेरे सिर्फ सादगी देखी है, जाती नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। ऑपरेशन बेस्ट एंड बाय तहलका मैगजीन काफी बड़ा स्टिंग ऑपरेशन रहा इंडियन हिस्ट्री में। 2001 के इस ऑपरेशन का मकसद बहुत बड़ा था दोस्तों। दरअसल तहलका वाले ना ये समझना चाहते थे कि इंडिया की गवर्नमेंट और स्पेशली डिफेंस वाले सभी डील्स, चाहे वो वेपन्स की हो या फिर औजारों की या फिर गोली बारूद की, तो वो सब करते कैसे। उनका प्लान ऑफ एक्शन कुछ ऐसा था कि उनका एक आदमी जाएगा और ऐसा पोर्ट्रे करेगा कि वो लंदन की बहुत बड़ी आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का वर्कर है। उन्होंने इस कंपनी का नाम दिया था वेस्टर्न इंटरनेशनल, जो कि इस मिशन, इस ऑपरेशन का भी नाम पड़ा बाद में। ऐसे में इंडिया की डिफेंस सर्विसेज ऑलरेडी दो मेजर सप्लायर से डील किया करती थी, इसलिए ऐसी किसी तीसरी कंपनी का बीच में आना ना नामुमकिन ही लग रहा था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इनके लिए घुस पाना सोच से भी ज्यादा आसान हो गया था। पी शशि, जो उस समय डिफेंस में पोस्टेड थे और इस चीज के पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट थे, उन्होंने तुरंत ही इस चीज को फास्ट मनी बनाने का तरीका समझ लिया था। कुछ ही पैसे खिलाने पर अनिल सहगल के घर ले जाया गया इस एजेंट को। अनिल सहगल उस समय के डिप्यूटी डायरेक्टर थे डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ऑर्डिनेंस एंड सप्लाई के। कहने को तो ये दोनों ऑफिशियल्स को देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी दे रखी थी, मगर दोनों ने ही इंडिया की सुरक्षा को खत्म करते हुए बिना कॉन्ट्रैक्ट की इस कंपनी को इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दी थी। पहली इन्फॉर्मेशन ये थी कि इंडिया किस किस तरीके के डिफेंस प्रोडक्ट यूज करता है, और दूसरी ये कि उन्हें ये प्रोडक्ट्स कौन सी दो कंपनीज बेचती है। इन दो इन्फॉर्मेशन से कोई भी इंडिया की सुरक्षा को एक झटके में खत्म कर सकता था, मगर चंद रुपयों के लालच में ही इन दोनों ने ना ये सब कर दिया। ये डील थर्मल कैमरास की होने वाली थी, जिसकी पहली मीटिंग सहगल साहब ने 5-स्टार होटल में ही रखी थी। उसके बाद टोकन अमाउंट तो हर बार लिए ही गए, मगर सिर्फ फाइल आगे पहुंचाने के भी 2,00,000 रुपए अलग से लिए गए थे। बस ऐसे ही पैसे लेते लेते सहगल साहब ने और ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग तो सेट करवाई ही, मगर इस डील को आगे कैसे लेकर जाना है वो भी अच्छे से बताया। और तो और हर मीटिंग के लिए अलग अलग तरीके से पैसे खाए गए, जिसकी वजह से स्टिंग ऑपरेशन वालों को बहुत सारी अंदर की खबरें भी जानने को मिली। बाद में ये सब कुछ जो भी हो रहा था उसकी रिकॉर्डिंग तो आउट ही गई, मगर देश को कितने खतरनाक लोगों के हाथ में दिया जा रहा है ये भी बाहर आ गया। तो बस हो सकता है कि इस बार सोल्जर 2 में भी हमें ऐसा ही कोई करप्ट ऑफिसर और ऐसा ही स्टिंग ऑपरेशन देखने को मिले। आप लोग कितना एक्साइटेड है स्टोरी को लेकर और आने वाली फिल्म सोल्जर 2 को लेकर, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें बॉलीवुड स्टूडियोज को। और हाँ दोस्तों, अगर आप भी हमारे साथ काम करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं बॉलीवुड स्टूडियोज के साथ, तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। नमस्कार दोस्तों।